तो स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। और आज हम ट्रैवल करने वाले हैं कोंकण रेलवे से। तो वीडियो शुरू करने से पहले कोंकण रेलवे के कुछ अद्भुत नज़ारे आप देख लीजिए। स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। और आज अपन ट्रैवल करने वाले संगमेश्वर से कनकवली के बीच में। संगमेश्वर में तो वीडियो कैप्चर करने का मौका मिला नहीं, पर कुछ शॉट्स और नेचर के वीडियोस मैंने कैप्चर ऑलरेडी किए हुए, तो वो मैं आपको बता दूंगा। और अभी हम लोग हैं रत्नागिरी स्टेशन और हम लोग ऑनबोर्ड होने वाले हैं 50105 दीवा सावंतवाड़ी एक्सप्रेस में। ये गाड़ी दीवा से 6:25 के बीच में छूटती है और सावंतवाड़ी को शाम को 6:55 को पहुँचा देती है। इसके पूरे वर्किंग 12 हॉर्स का इसका वर्किंग है और इसके 12 हॉर्स के वर्किंग में ये 49 स्टॉप्स देती है। पैसेंजर को फर्स्ट टाइम 5 अप्रैल 1993 में कोंकण रेलवे ने चलाया गया था दीवा से सावंतवाड़ी के बीच में। और ये पूरा रूट 473 किलोमीटर का है। अभी अपन जिस रूट पे ट्रैवल कर रहे हैं वो है कोंकण रेलवे का। और ये कोंकण रेलवे का रूट जो है वो ऑपरेट करता है केआरसीएल, मतलब कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन। इसका हेड क्वार्टर सीबीडी बेलापुर, मतलब अपने नवी मुंबई में है। और ये कोंकण रेलवे में जो सबसे पहली ट्रेन चली थी वो उडुपी और मैंगलोर के बीच थी पैसेंजर ट्रेन। देखो गाइस व्यू। सो अभी अपन ने जस्ट आचिर ने स्टेशन छोड़ा है, उसको अभी जस्ट डिपार्चर किया है। अभी उसके बाद आएगा नांदगांव और नांदगांव के बाद अपना कनकवली स्टेशन आएगा, अपना लास्ट डेस्टिनेशन। फिर अपना ब्लॉग वहाँ पे कनकवली स्टेशन पे एंड हो जाएगा। और ये अपनी मैजेस्टिक कोंकण रेलवे तो ऐसे ही चलती रहेगी। और भी अपना कोंकण रेलवे का रूट एक्सप्लोर करना है, वो भी करेंगे अपन। अचिरने स्टेशन से क्लियरेंस मिलने के बाद अभी हम लोग निकल पड़े हैं नांदगांव की तरफ। अपना नेक्स्ट स्टेशन है वो, फिर उसके बाद अपना आएगा कनकवली। निकले जाए तो कोई भी नहीं है, पूरी ट्रेन खाली है। जितना भी रश था वो रत्नागिरी को सब उतर गया जो मुंबई से आया था। और अपने कनकवली को जा रहा हूँ तो ज़्यादा रश मिल रहा ही नहीं है, सब खाली। देखिए जिधर चाहिए उधर जाके आप बैठ सकते हो बिना टिकट के भी। इधर ही अंकल ये मजा है बोली। अपनी कोंकण रेलवे को सबसे पहले प्रस्ताव ई श्रीधरन इन्होंने रखा था केआरसीएल के पास। और ये कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन ये ओन बाय इंडियन रेलवे से, बस इसको केआरसीएल ऑपरेट करती है, वो भी इसका हेडक्वार्टर अपना सीबीडी बेलापुर में है, आपको पहले ही बता रहूँगा। अपने कोंकण रेलवे ने ACD, उसको अभी एंटी कॉलिजन डिवाइस बोला जाता है, इसको अभी इंडियन रेलवे ने कवच के नाम से ऑफिशियल नेम दिया है। Thank you.
जैसे ही हमने नांदगांव स्टेशन को डिपार्ट किया वैसे ही हमें कोकण के बारिश ने स्वागत किया। भारी वर्षा के कारण मैं आगे व्लॉग तो बना नहीं पाया और इसलिए मैंने वीडियोस निकाले वो भी ट्रेन के अंदर के, क्योंकि मेरा जो फ़ोन का फ्रंट कैमरा था वो इशू कर रहा था पानी, बारिश के पानी के वजह से। और यहाँ पे हम लोग कनकोली स्टेशन पे अराइव कर रहे हैं और सामने हमारे WDG 3A के साथ कौन सी तो अननोन ट्रेन खड़ी है। और अभी हम लोग कनकोली स्टेशन पे डिबोर्ड हो चुके और हमारी ये दिवा सावंतवाड़ी एक्सप्रेस इसके डेस्टिनेशन सावंतवाड़ी के तरफ बढ़ रही है। आपको ये वीडियो कैसा लगा ये कमेंट करके ज़रूर बताएं और व्लॉग को मैं इधर ही एंड कर रहा हूँ। और एक बात, अपने व्लॉग का एम रहेगा 100 लाइक्स, तो कुछ भी करके कर देना कंप्लीट। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट व्लॉग में, बने रहिए अपने इस चैनल में रियल लव प्रथमेश के साथ।